लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा फ्रैंकलिन हेलोर्ड हेलगोर जो है ब्लड रेवन की सच्चाई पता लगाने के लिए जो है हेल बेस में जाते हैं और लूसीफर को अकेला छोड़ जाते हैं। फिर जो है डेविल लॉर्ड जो है ब्लड रेवन को भेजता है हेवन में फ्रैंकलिन और लूसीफर को मारने के लिए, और ब्लड रेवन डेविल लॉर्ड की बात मानकर जो है हेवन में चला जाता है। फिर वहाँ पर लूसीफर और ब्लड रेवन की काफ़ी तगड़ी फाइट होती है। इस फाइट के दौरान जो है अपना लूसीफर काफ़ी ज़्यादा पिटता है और एंड में जो है लूसीफर की जो है मौत हो जाती है। उसके बाद जो है ब्लड रेवन लूसीफर को जलाकर चला जाता है। अब देखते हैं आगे। दोस्तों यार मैं लूसीफर को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता हूँ, मेरा मतलब है मैं इसे ज़िंदा नहीं कर सकता हूँ। और मैं इसे ज़िंदा इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लूसीफर को पूरी तरीके से जला दिया है ब्लड ड्रैगन ने, और अगर किसी को पूरी तरीके से जला दिया जाए मारने के बाद तो वो कभी भी ज़िंदा नहीं हो सकता। हेवन लॉर्ड तक उसको ज़िंदा नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्या कर पाऊँगा उस चीज़ में। और यार अभी ब्लड ड्रैगन को अपना जो है पक्का पता चल गया है कि किसी को जलाने के बाद ज़िंदा नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसने लूसीफर को जलाया होगा। और यार अभी अपने लिए ब्लड ड्रैगन काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, ब्लड ड्रैगन को मारना अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ब्लड ड्रैगन का राज जानने के लिए जो है हेल लॉर्ड और हेल गॉड को जो है हेल बेस में यानी कि डेविल बेस में भेज दिया है। वो पता करके आते ही होंगे बस यहाँ पर। मैं यहाँ पर हेल बेस में आ गया हूँ, अभी बॉस मुझे किसी भी तरीके से जो है उस ब्लड ड्रैगन के बच्चे का राज पता करना होगा। उसने मुझे एक बार मारा था और वो यार डेविल कम्युनिटी को ब्लड कम्युनिटी में बदलना चाहता है। ये क्या दोस्तों, यहाँ पर ये लाशें पड़ी है इंसानों की, मुझे लगता है इसके पीछे डेविल लॉर्ड उस ब्लड रेवन का हाथ है। वो लोग कोई काला जादू कर रहे होंगे। फटाफट जो है उनकी बातें सुनता हूँ और देखता हूँ कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनकी बातों का असर कहीं लॉस सैंटोस पे ना हो, पता नहीं वो क्या बातें कर रहे होंगे। बस एक बार मुझे ब्लड ड्रैगन की कम्युनिटी यानी कमजोरी का पता चल जाए बस उतना काफ़ी होगा उसे हराने के लिए हमारे पास। चलता हूँ इनकी बातें सुनता हूँ। यहाँ से उनकी बातें कुछ साफ सुनाई नहीं दे रही है, लगता है मुझे इनके पास जाना पड़ेगा। लेकिन मैं इनके पास यहाँ से आगे गया तो शायद मैं पकड़ा जाऊँगा। कोशिश करता हूँ यहीं से ही इनकी बातें सुनने की, देखते हैं कुछ सुनाई देता भी है क्या। अरे यार ब्लड रेवन, तुम यार हमें अपनी कमजोरी बताओ, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी कमजोरी जानना, क्योंकि अगर किसी ने तुमको पकड़ लिया तो फिर वो तुम्हें तुम्हारी कमजोरी के जरिए डराएगा। अगर तुम हमको तुम्हारी कमजोरी के बारे में बता दोगे तो फिर हम तुम्हारी कमजोरी को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे ब्लड रेवन, समझे ना तुम। अरे मैं अपनी कमजोरी इन लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो इनकी डबल कम्युनिटी को ब्लड कम्युनिटी में बदलने की सोच रहा हूँ यहाँ पर राज करने की। अगर मैंने ऐसा किया तो इनको बाद में मेरी कमजोरी का पता चल जाएगा और ये उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। एक काम करता हूँ, इनको झूठ बताता हूँ मेरी कमजोरी के बारे में, कुछ और कमजोरी बता देता हूँ। डेविल लॉर्ड मेरी कमजोरी दो दो कमजोरी है, एक नहीं बल्कि दो कमजोरी है। पहली कमजोरी तो मेरी इंसानी खून है, मेरा नाम ब्लड रेवन इसीलिए पड़ा क्योंकि मैं इंसानी खून का काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ। और दूसरी कमजोरी मेरी आग है और आग ही मेरी शक्ति का जरिया है, समझे ना तुम। मेरी कमजोरी खून और आग दोनों से मिलकर है, तो अब तुम देख लेना कैसे दूर करनी है मेरी कमजोरी। तुम्हारी कमजोरी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन जो है ब्लड रेवन, तुम्हें घबराने की बात नहीं है। तुम यार यहाँ के डेविल बॉस हो, तुम्हारी कमजोरी दूर करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी डेविल बॉस में कमजोरी जो है होनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारी कमजोरी को हम दूर कर देंगे, तुम उसकी चिंता मत करना। अच्छा अच्छा ठीक है डेविल लॉर्ड, तुम मेरी कमजोरी दूर कर देना। वैसे मैं तो इन लोगों को मूर्ख बना रहा हूँ, मुझे तो डेविल कम्युनिटी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैंने इनको अपनी कमजोरी ही नहीं बताई है। मैं ब्लड रेवन हूँ, अपनी कमजोरी ऐसे ही नहीं बताता किसी को। और ऐसे ही क्या मैं किसी भी तरीके से अपनी कमजोरी के बारे में
दूसरों से कभी भी बात नहीं करता। वैसे ब्लड रेवन, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हम उनके अभी दोस्त लूसिफर को मार कर आए हैं, तो इसीलिए तुम्हें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल यार मुझे लगता है मेरे फोन पर किसी का फोन आ रहा है, ये तो मेरे भाई का फोन है, उठा लेता हूँ, देखता हूँ क्या कहता है मेरा भाई। डबल लोड, मैं हेल लोड बोल रहा हूँ, अगर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है तुम ऐसे करो, हेल बेस पे आ जाओ पुराने वाले, वहां पर मैं तुमसे जरूरी बात करूंगा, चाहे तुम अकेले आओ चाहे टीम लेके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे अकेले मिलने के लिए आया हूँ। और हाँ, तुम चाहे किसी को भी ले आओ, लेकिन ब्लड रेवन को मत लेके आना, क्योंकि वो रहेगा तो मैं तुमसे अपनी जरूरी बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मैं आ जाऊंगा, पता नहीं यार, मेरे भाई हेल लॉर्ड जो कि फिलहाल तो अभी मेरा दुश्मन ही है समझ लो, लेकिन उसको अर्जेंट में मुझसे बात क्यों करनी है, एक तो ये समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से वो अकेला आ रहा है और मुझसे कह रहा है कि तुम अपनी टीम लेकर आ सकते हो, अगर मुझे जाना ही है तो मैं अकेला जाऊंगा। और हाँ, उसने स्पेशली बोला है ब्लड रेवन का कि ब्लड रेवन को लेकर नहीं जाना, तो यार ब्लड रेवन को मैं लेकर नहीं जाऊंगा, हो सकता है उसमें कुछ काम की बात हो के लिए बुलाया हो, जो ब्लड रेवन के लिए जानना अच्छा ना हो, इसीलिए शायद उसने मुझसे मना करा होगा। वैसे जो भी होगा देखा जाएगा, मैं कोई कमज़ोर तो नहीं हूँ कि वहाँ पर जो है अपनी टीम लेकर जाऊँ और मेरा भाई जो है लोड है वो बिगर टीम के आएगा, तो मैं भी वहाँ पर अकेला जाऊँगा, अगर वहाँ पर उसने मुझ पर हमला किया तो मैं भी जवाबी हमला करूँगा और उसे वहीं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई हेल लॉर्ड ऐसा करेगा, क्योंकि अगर उसे सिंहासन चाहिए होता अभी तक तो कब का छीन लेता मुझसे। दोस्तों मैंने इनकी कुछ कुछ बातें तो सुन ली है और उनमें से मुझे जो है ब्लड ड्रैगन की एक कमज़ोरी के बारे में तो सुनाई दे गया। मैंने अपने कानों से सुना कि ब्लड ड्रैगन की एक कमज़ोरी इंसानी खून है, शायद इसीलिए जो है हेल बेस में 3 इंसान पड़े हैं, हो सकता है ब्लड ड्रैगन ने उनका खून पिया हो। चलो ये कमज़ोरी के बारे में मैं फटाफट जाके फ्रैंकलिन को बताता हूँ, फ्रैंकलिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा और फिर इस कमज़ोरी के ज़रिए जो है हम उसको मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाएंगे। और हेल लॉर्ड ने भी डेविल लॉर्ड को बुला लिया है ताकि हेल लॉर्ड डेविल लॉर्ड को समझा सके कि ब्लड रेवन उनकी कम्युनिटी को धोखा दे रहा है। देखते हैं वो समझेगा या नहीं समझेगा, वो तो बाद की बात है, फिलहाल तो मैं फ्रैंकलिन को जाकर बताता हूँ ब्लड रेवन की कमज़ोरी। ये लो मैं पहुँच भी गया हूँ अब जो है हेवन कम्युनिटी में, यहाँ पर लूसिफर की लाश पड़ी है। अरे तुम आ गए क्या, तो कुछ पता चला कि ब्लड रेवन के बारे में या उसकी किसी कमज़ोरी के बारे में? अरे हाँ, मुझे ब्लड रेवन की एक कमज़ोरी के बारे में पता चल चुका है फ्रैंकलिन। क्या कमज़ोरी है वो? और उसकी एक ही कमज़ोरी है, इंसानी खून पीता है वो, मुझे लगता है इंसानी खून के बगैर उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है, अगर उसे इंसानी खून ना मिले तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इंसानी खून तो हम नहीं कर सकते ना, हम इंसानों के मारने के सख्त खिलाफ़ है। और ये तो मैं जानता हूँ कि हमारे हेवन आर्मी के लोग कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करते हैं, तो इंसानी खून कहाँ से लाएंगे? लेकिन मेरे पास फिर भी एक प्लान है। और क्या प्लान है फ्रैंकलिन, बताओ ना, मैं सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकरार हो रहा हूँ। इंसानी खून तो हमें चाहिए, लेकिन इंसानों को बिगर मारे हम इंसानी खून कैसे ले सकते हैं, बताओ। हाँ बताता हूँ, मेरा प्लान ये है कि तुम तो जानते हो इंसान अच्छे और बुरे होते हैं। अरे ये तो पूरी दुनिया जानती है, इंसान 2 तरीके होते हैं, अच्छे और बुरे, इसमें क्या है? हाँ तो मैं बोल रहा था, जो बुरे इंसान हैं जो कि बच्चों का सप्लाई करते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं और
ड्रग्स स्मगलिंग का धंधा करते हैं उन लोगों को जो है कोर्ट हमेशा सजा ही देती है फांसी की, तो हम उनका खून इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें मार कर। अरे वाह फ्रैंकलिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से अपना दिमाग तोड़ाओगे। तुम्हारा प्लान तो एकदम नंबर वन है, तुम्हारा प्लान काम करेगा। अब बस हमें वो गुनहगार लोग यानी कि गुनहगार इंसान ढूंढने हैं जो ड्रग सप्लाई करते हैं और बच्चों का धंधा करते हैं। हाँ तुमने सही सुना, वैसे यार अभी तक हेल लॉर्ड नहीं आया। और मेरे पिता हेल लॉर्ड ट्रैवल लॉर्ड को जो है हेल बेस पर बुलाया है। लेकिन हेल बेस पर क्यों बुलाया है उन्होंने? और वो जो है ट्रैवल लॉर्ड को समझाएंगे कि जो ब्लड ड्रैगन है उन्हें धोखा दे रहा है, ब्लड ड्रैगन ब्लड कम्युनिटी बनाना चाहता है। ये सब जो है वो ट्रैवल लॉर्ड को समझाने के लिए गए हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि ट्रैवल लॉर्ड अपने भाई हेल लॉर्ड को हमेशा दुश्मन ही मानता है, तो वो कभी भी उसकी बात नहीं मानेगा। अरे हाँ ये सब तो मुझको भी पता है, लेकिन मेरे पिता उसके सगे भाई भी तो है, हो सकता है वो अपने भाई यानी कि मेरे पिता हेल लॉर्ड की बात मान ले। आखिर उन दोनों के बीच में खून का जो रिश्ता है। हाँ खून का रिश्ता तो है, लेकिन वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता। और वैसे भी ट्रैवल लॉर्ड को लगेगा कि जो है वो ब्लड ड्रैगन को वहाँ से हटाकर जो है उनकी टीम को कमज़ोर करना चाहता है, और इसके पीछे जो है हेल लॉर्ड की कोई साजिश होगी, ऐसा ट्रैवल लॉर्ड को लगेगा। अरे हाँ हाँ ऐसा भी हो सकता है, अब देखते हैं क्या होगा, वो तो अभी हेल लॉर्ड के आने पर ही पता चलेगा। पता नहीं यार हेल लॉर्ड ने मुझे जो है पुराने वाले हेल बेस पर क्यों बुलाया है, कहीं उसके पीछे मेरे भाई जो है हेल लॉर्ड की कोई साजिश तो नहीं है। नहीं नहीं यार मेरा भाई साजिश नहीं रचेगा, वो तो यार पता चलने के बाद ही चलेगा कि हेल लॉर्ड ने मुझे बुलाया क्यों है वहाँ पर, और वहीं पर ही क्यों पुराने वाले हेल बेस पर। और वो अकेला आएगा तो उसके पीछे कोई साजिश तो होगी नहीं, क्योंकि उसने मुझसे बोला है कि अपनी टीम लेके आ जाओ अगर डर लग रहा है तो। लेकिन मैं कोई डरपोक तो हूँ नहीं कि अपनी टीम लेकर आऊँ, मैं भी अकेला आया हूँ यहाँ पर। अभी तक यार हेल लॉर्ड तो पहुँचा ही नहीं, पता नहीं उसने ब्लड ड्रैगन को लाने से क्यों मना कर दिया, देखते हैं कब तक आएगा। ये लो यार आ गया मेरा भाई। हाँ आप बताओ क्या प्रॉब्लम है और क्या बारे में बात करनी थी तुमको जो तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली बुलाया है लॉर्ड। अरे ट्रैवल लॉर्ड, मैं जो बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ शायद तुम उसको पर विश्वास बिल्कुल भी ना करो, लेकिन तुम्हें करना होगा, क्योंकि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी बातों पर विश्वास करना होगा, नहीं एक दिन तुम मारे जाओगी और तुम्हें कोई भी जिंदा नहीं कर पाएगा, ये बात तुम लिख के ले लो। अरे हेलो, मुझे लगा तुम मुझसे कुछ ज़रूरी बात करने आए हो, ये क्या बकवास कर रहे हो, साफ साफ बोलो, यहाँ पर पहेलियाँ मत बुझाओ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। अगर तुम लड़ने आए हो तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है बातों का, जो भी कहना है साफ साफ कह दो, फिर मैं देखूँगा कि तुझ पर विश्वास करना भी है या नहीं, या तुम हवा में ही बातें कर रहे हो। जल्दी बोलो, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, जो भी कहना है जल्दी जल्दी बोल दो, मुझे बाकी काम भी करने हैं। अरे बात ऐसी है, तुम्हारा जो नया मेंबर जिसे तुमने ट्रैवल बॉस बनाया है, क्या नाम है उसका, ब्लड ड्रैगन, वो एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। तुम जानते हो कि तुमने उससे मेरे बेटे को मरवाया। अरे हाँ वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने उससे तुम्हारे बेटे को नहीं मरवाया, बल्कि मैंने उससे कहा था कि वो हेवन कम्युनिटी के एक बंदे को मार दे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला था कि वो हेल कोड को मार दे। वैसे तुम बताओ आगे क्या बात है उसमें। हाँ तो जब उसने हेल कोड को मारा, उससे पहले उसने हेल कोड से बोला कि वो डेविल बॉस नहीं बनना चाहता, बल्कि वो डेविल बॉस बनकर तुम लोगों का यानी कि डेविल आर्मी का पूरा भरोसा जीतना चाहता है, और एंड में
वो डेविल कम्युनिटी के एक एक बंदे को रुला रुला कर मारेगा और फिर वो है ब्लड कम्युनिटी स्टार्ट करेगा और अपनी एक ब्लड आर्मी बनाएगा। यही बोला था उसने हेलगोड को मारने से पहले। अब तुमको विश्वास करना है या नहीं करना है ये तुम्हारा फैसला है। मुझे तो बस तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी थी ताकि तुमको पता तो रहे कि तुम्हें कौन धोखा दे रहा है और कौन तुम्हारा अपना है। कहीं तुम इस सिंहासन की आड़ में, टेबल बेस की आड़ में कहीं अपनों को ही भूल जाओ और परायों के साथ दोस्ती करके उनसे मारे जाओ। हाँ, मैं अपने सिंहासन वापस जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मार कर उस सिंहासन को नहीं लेना चाहता। ये इस बात उतनी सच्ची है जितनी कि मैं। अरे, मैं तुम्हारे बातों पर गौर तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही अपने आदमी पर शक नहीं कर सकता। वो मेरा काफी ज्यादा वफादार आदमी है। उसके खिलाफ जब तक मेरे को कोई सबूत ना मिल जाए तब तक मैं उसे अपनी कम्युनिटी से नहीं निकालूंगा। मुझे लगता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया तुम्हें ये सब बातें समझाने में। तुम ये सब बातें समझने के लायक ही नहीं हो डेविल लॉर्ड। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी बातों पर गौर करना और ध्यान देना ब्लड रेवन की हरकतों पर। तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि वो कितना ताकतवर है और वो डेविल कम्युनिटी क्यों ज्वाइन की है। अभी मैं चलता हूँ यहाँ से। मैंने यार अपना पूरा पूरा कोशिश करा है ताकि मेरा भाई हेलोर समझ जाए कि जो ब्लड रेवन है वो धोखेबाज है और वो ब्लड कम्युनिटी स्टार्ट करना चाहता है डेविल कम्युनिटी को ख़त्म करके। पता नहीं मेरे भाई को कब अकल आएगी। फिलहाल यार मैं फ्रैंकलिन को बताता हूँ कि वो बिल्कुल भी नहीं माना है। फ्रैंकलिन, मैं अभी जो है हेल बेस से आ रहा हूँ पुराने वाले में। मैंने जो है डेविल लॉर्ड को काफ़ी समझाया लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माना। और हेल गॉड, तुम्हारे पास कोई खबर है क्या ब्लड रेवन की कमजोरी की? अरे हाँ यार, मेरे पास खबर है। वो खबर ये है कि ब्लड रेवन जो है इंसानी खून उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो इंसानी खून के पिए बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता है और हमने तो उसे पकड़ने का पूरा पूरा प्लान भी बना लिया है मैंने और फ्रैंकलिन ने मिलकर। अब बस उसे अपने प्लान में ट्रैप करने की कोशिश करना है। वैसे तुम लोगों का प्लान क्या है वो तो मुझे बताओ फ्रैंकलिन, और हेलगोड मैं भी तो जानू तुम्हारे प्लान में कितना दम है। अच्छा, मैं ही प्लान बता देता हूँ। प्लान ये है कि हम 100-200 ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जो गुनहगार हो, जिनको आत्महत्या की सज़ा होने वाली हो या वो क्राइम कर चुके हो जिनसे उन्हें आत्महत्या की सज़ा हो सकती है। उन लोगों को पकड़ेंगे, उनको मारेंगे, उनका सारा खून निकालेंगे और एक बोतल में डालेंगे और उनकी खून की खुशबू सूंघकर जो है ब्लड ड्रैगन यहाँ पर आ जाएगा और हम सब अटैक कर देंगे। वैसे मुझे यार अपने भाई डेविल लॉर्ड की बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा दोस्त ब्लड ड्रैगन जो कि हमारी कम्युनिटी का नया डेविल बॉस है वो मुझे धोखा दे रहा है। फिलहाल मैं उसकी बातों पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वो अगर चाहता तो मुझे मार के मेरी ट्रैवल कम्युनिटी को वापस से हेल कम्युनिटी में बदल सकता है क्योंकि वो मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा सही पावरफुल है और मुझे मारने की दम तो रखता है आखिरकार। और उसके पास हेवन कम्युनिटी है और तुम तो जानते ही हो हेवन कम्युनिटी में कितने तगड़े तगड़े लोग हैं जो हेवन कम्युनिटी डेविल कम्युनिटी को मार सकते हैं। फिलहाल अगर मैं ब्लड रेवन को अपनी टीम से निकाल देता हूँ तो अपनी टीम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। एक काम करता हूँ, जब तक मेरे पास पुख्ता सबूत ना हो जाए कि ब्लड रेवन हमसे धोखा कर रहा है तब तक उसे नहीं निकालता हूँ। प्लान तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन चुका है हमारा कि हम ब्लड रेवन को पकड़ ही लेंगे। देखते हैं हम ब्लड रेवन को पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द हम ब्लड रेवन को पकड़ ले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इंतज़ार करो नेक्स्ट वीडियो का आने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।